काशी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। काशी के अंदर भोले बाबा का मंदिर और आसपास का दृश्य और उसके पुनर्निर्माण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। काशी कबीर और गोस्वामी तुलसीदास के साथ साथ कई संतों की भूमि रही है। कई वर्षों से वहां पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बीड़ा उठाया तो ये काम अब संपन्न होने जा रहा है। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। जो बात उन्होंने तब कही थी वो अब चरितार्थ होने जा रही है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी में पुनर्निर्माण के पूरा होने और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य स्वरूप के लोकार्पण के मौके को खास बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी के दौरे पर जा रहे हैं। ये कार्यक्रम करीब 10 दिनों तक चलेगा। पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जैसे प्रभु श्री राम के लंका से अयोध्या वापसी के समय दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही काशी में दीपावली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को का लोकार्पण करेंगे, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के 3000 संत और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। 13 दिसंबर के बाद 5,00,000 घरों में बाबा विश्वनाथ के प्रसाद और काशी के इतिहास की पुस्तिका पहुंचाई जाएगी। हाल के दिनों में काशी में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है उसका एक वीडियो भी जारी किया जा रहा है। काशी में 13 दिसंबर से शुरू होने वाला कार्यक्रम मकर संक्रांति तक रोज चलेगा। रोज एक उत्सव होगा जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। ये कार्यक्रम देश में 51,000 स्थानों पर बीजेपी की ओर से लाइव दिखाया जाएगा। और 14 दिसंबर को काशी में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा। 12, 13 और 14 दिसंबर को काशी में हर मंदिर और मठ को सजाया जाएगा। भव्य दीपावली जैसी सजावट मंदिरों में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। चूंकि मौका बेहद खास है, इसलिए तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही है। यही नहीं, 13 दिसंबर के दिन काशीपुरा कहा जा रहा है कि देव दीपावली की तरह ही कुछ माहौल होगा। लगभग सारे मंदिरों के साथ साथ जितने भी घर हैं उन घरों में दिए जलाए जाएंगे और एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। क्योंकि इन तैयारियों को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस कॉरिडोर का अपडेट ले रहे हैं। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।